आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही निकाय प्रमुख के चुनाव से जुड़ी हुई। स्वायत्त शासन विभाग ने नहीं जारी करेगा अधिसूचना मौजूदा नियमों में बदलाव के लिए। सरकार ने सैद्धांतिक रूप से फैसला किया है, यथासंभव निर्वाचित पार्षदों से ही निकाय प्रमुख चुने जाएंगे। निर्वाचित पार्षदों में से ही निकाय प्रमुख चुनेंगे और आवश्यकता हुई तो ही काम में हाइब्रिड मॉडल लिया जाएगा। इसका प्रावधान तभी काम में लिया जाएगा जब इसकी जरूरत हुई। सरकार ने संगठन को आश्वासन दिया है, इस मॉडल का विरोध करने वालों को यह आश्वासन दिया गया है। और स्वायत्त शासन विभाग ने 16 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी इसको लेकर। इस अधिसूचना के मुताबिक पार्षद भी निकाय प्रमुख बन सकेंगे और जिस व्यक्ति ने पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा है या फिर जो हार गया है वो भी निकाय प्रमुख बन सकेगा। इन नियमों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया क्योंकि खबर ये आ रही थी कि लोगों के विरोध को देखते हुए, संगठन के विरोध को देखते हुए इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कोई बदलाव इसमें नहीं है। कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, ना होगी, ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गया। अभिषेक, तो क्या माना जाए कि हाइब्रिड फॉर्मूला लागू रहेगा? देखिए सुषमा, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि अब तक जो आज की अभी तक की जो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक की जो सिचुएशन है उसमें हाइब्रिड मॉडल आज भी लागू है, क्योंकि इसको लागू करने के लिए 16 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। लेकिन इस नोटिफिकेशन का मतलब ये नहीं था कि केवल बाहर का व्यक्ति बनेगा। इसमें एक ऑप्शन दे रखा था, इसमें ऑप्शन ये दे रखा था कि बाहरी व्यक्ति भी जो जिसने चुनाव नहीं लड़ा है या जो पार्षद का चुनाव हार चुका है कोई भी व्यक्ति निकाय प्रमुख के लिए उम्मीदवार के रूप तौर पे खड़ा हो सकेगा। लेकिन उसमें साथ में ये भी प्रावधान था कि जो पार्षद बन गया है चुनाव जीतकर वो भी निकाय प्रमुख बन सकेगा। तो ये एडिशनल प्रावधान केवल इसमें डाला था, इसका कहीं मतलब ये नहीं था कि पार्षद जो है वो कभी भी जो है निकाय प्रमुख नहीं बन पाएंगे। तो ये दोनों तरह के ऑप्शन थे। जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसका पार्टी के अंदर ही विरोध हुआ, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने विरोध किया। लेकिन अभिषेक, तो वही बात हुई कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है कि एक तरफ वो मॉडल भी है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा कि जब जरूरत होगी तो ही, तो फिर वो कैसे डिसाइड होगा? अब उसमें सुषमा ये हुआ है कि जब सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री है सरकार में, उन्होंने विरोध किया तो कैबिनेट मंत्रियों ने विरोध किया, तो अंदर जो मंथन का दौर चला तो उसमें अब तक जो कन्विंस किया गया है जो विरोध कर रहे नेता उनको ये कन्विंस किया गया है कि हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम नाराज हमारे इस नोटिफिकेशन जो ऑप्शन है कि हम निर्वाचित पार्षद में से ही मेयर बनाएंगे। लेकिन अगर जरूरत हुई और जरूरत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए किसी निकाय में कोई आरक्षित वर्ग SC है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति को ही जो है वहां का निकाय प्रमुख बनना है, लेकिन बाई चांस वो हार जाता है। अगर वो हार जाता है तो ऐसे स्थिति में पार्टी क्या करेगी? तो ऐसी स्थिति में पार्टी जो है बाहर के किसी व्यक्ति को लाके उसी जाति के उसी वर्ग के व्यक्ति को लाके निकाय प्रमुख का उम्मीदवार बना सकती है। तो उसमें यही तय हुआ है, सैद्धांतिक रूप से सरकार ने कन्विंस कर दिया और फैसला कर लिया कि यथासंभव हम जो पार्षद जो निर्वाचित होंगे उन्हीं में से ही जो है निकाय प्रमुख चुनेंगे। और बहुत और आवश्यकता होगी, इमरजेंसी होगी तो ही हम इस क्लॉज का उपयोग करेंगे। तभी जब ये सैद्धांतिक फैसला ले लिया तो बाकायदा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उन्होंने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर बाकायदा वक्तव्य जारी किया और उस पर सरकार के फैसले की उन्होंने सराहना करी। उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र जिंदा रहेगा। तो जो पूरा लबोलुभाव देखें तो इसमें यह है कि अभी यह अधिसूचना कायम है, हाइब्रिड मॉडल का प्रावधान लागू है, निर्वाचित पार्षद भी मेयर बन सकते हैं, ये भी लागू है। तो दोनों तरह के विकल्प आज भी मौजूद हैं। और इसको लेकर जो विपक्षी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, जो आलोचना की जा रही है, उसका भी आज मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब दिया। उन्होंने खुला चैलेंज दिया कि जो है भाजपा नेता ये घोषणा कर दें कि वो कभी भी इस हाइब्रिड मॉडल के प्रावधान का उपयोग नहीं करेंगे। तो जो पूरा हम देख रहे हैं, पूरा अब तक का जो बात है अब तक की यही है कि नया नोटिफिकेशन फिलहाल जारी नहीं होगा। जो 16 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है वो यथावत है। इसमें दोनों तरह के प्रावधान है कि पार्षद भी मेयर या निकाय प्रमुख बन सकता है। अभिषेक, लेकिन एक चीज और समझना चाहेंगे क्लियर कट कि क्या अब जो यहाँ पार्टी के भीतर से ही संगठन या सरकार के बीच में जो इसको लेकर एक सस्पेंस था या जो सवाल थे, क्या उसका भी पटाक्षेप हो गया है? अब सब कुछ मैनेज हो गया है? बिल्कुल सुषमा, उसको हम कह सकते हैं कि पटाक्षेप हो गया है। पटाक्षेप इस लिहाज से हो गया कि खुद जो सचिन पायलट है उन्होंने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ये वक्तव्य दिया है
कि मैं सरकार के फैसले से बहुत खुश हूं। तो जब उन्होंने अपनी खुशी जाहिर कर दी, उस पर अपना समर्थन जता दिया, प्रसन्नता जता दी, उसके बाद ये पूरा मामला जो है पटाक्ष हो गया है, क्योंकि ये क्लियर हो गया है कि हम ये जो हाइब्रिड मॉडल का यूज केवल इमरजेंसी में ही करेंगे, जब हमें जरूरत होगी, कि हमें जब कोई उपयुक्त उम्मीदवार हमारे यहाँ से नहीं मिलेगा, कोई जिस वर्ग के लिए जो निकाय प्रमुख की सीट आरक्षित है उसका व्यक्ति अगर हार जाएगा, उपयुक्त उपलब्ध नहीं होगा, तो हम इस प्रावधान का यूज करेंगे। तो जो पार्टी में विरोध करने वाले नेता हैं उनको बाकायदा ये आश्वासन दिया जा चुका है, और इस आश्वासन के बाद इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया। क्योंकि दूसरी सुषमा इसमें ये भी बात आती कि अगर इस नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट किया जाता तो अमेंडमेंट किया जाता, नई नोटिफिकेशन निकाला जाता, तो इससे सरकार की जो है एक तरह से बदनामी भी हो सकती थी, या विरोधी इसको घेर सकते थे, लेकर विरोधी इसको घेर सकते थे कि सरकार जो है जनवरी से अब तक कितनी बार इसमें बदलाव कर चुकी है। क्योंकि जब सरकार में सत्ता में आए कैबिनेट, तो जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई तो उसमें उन्होंने उसको अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष में बदला, फिर वापस प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष में बदला, फिर हाइब्रिड मॉडल लागू किया, अब उस हाइब्रिड मॉडल को हटा देंगे। तो इस तरह से जो सरकार की जो फजीयत हो तो उसको बचाने के लिए बिल्कुल अगस्त में परिसीमन, उसके बाद फिर से जयपुर जोधपुर और कोटा के फिर से परिसीमन की बात, तो ये एक बड़ी बात थी, एक बड़ा सवाल था। लेकिन अभिषेक एक चीज और, यहाँ पर कांग्रेस में ऑल इज वेल की सिचुएशन हो गई है, लेकिन बीजेपी लाजमी है कि अभी भी इसका विरोध करेगी, तो उसके लिए क्या कुछ ऑप्शन वहां पर, उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन? देखिए अभी भाजपा नेताओं का जो ऑफिशियल जो भी उनका प्रतिक्रिया वो आएगी, लेकिन भाजपा हो या चाहे कांग्रेस हो या चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके लिए लाभ की स्थिति यह है कि उसके पास दोनों ऑप्शन है। तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के लिए विन विन कंडीशन है कि ठीक है, अगर उनका जो पार्षद को टारगेट लेके चल रहे हैं कि इसको हम मेयर बनाएंगे उस वर्ग का है, अगर वो जीता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो किसी और को भी कर सकेंगे। तो ये ऑप्शन सभी पार्टियों के लिए लाभकारी है। तभी आज धारीवाल ने एक वक्तव्य जारी करके कि जो है आप घोषणा कर दें कि आप इस प्रावधान का कभी यूज नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन तो लेकिन अभिषेक एक सवाल फिर आता है, आफ्टर इलेक्शन जब ऐसी सिचुएशन आए, जैसा आपने बताया कि समझिए कि रिजर्व सीट है और वहां पर वो कैंडिडेट हार गया, अब किसी को वहां पर खड़ा करना है, किसी को प्रमुख बनाना है, तो उसमें तो गुटबाजी भी हो सकती है लास्ट मोमेंट पे, कि जरूरी नहीं कि जिसने पार्षद चुनाव लड़ा उसी को खड़ा किया जाए जो कैंडिडेट हारा है, बाहर से भी आप कह सकते हैं अपने किसी खास को या किसी और लॉबी के लोगों को। बिल्कुल सुषमा, इसमें क्या है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका बहुमत है उसके पास ऑप्शन खुला रहेगा। वो ऐसे व्यक्ति जो कि मान लीजिए वो अनुसूचित महिला के लिए रिजर्व सीट है और वो महिला कैंडिडेट हार चुकी है, तो वो उसको भी लड़ा सकेंगे, या फिर दूसरी कोई अनुसूचित महिला कोई होंगी उनको भी लड़ा सकेंगे। तो ये ऑप्शन खुला रखा गया है, तो ये एक ऑप्शन आपातकालीन ऑप्शन कह सकते हैं, इमरजेंसी ऑप्शन कह सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जिसका बहुमत है और वो अपने अनुसार जो है मेयर बनाना चाहता है। मैं क्योंकि जब पिछले दिनों इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी शांति धारीवाल ने, जब 6 नए निकायों की घोषणा की गई थी, तब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि आपने ये हाइब्रिड मॉडल क्यों लागू किया, तो उन्होंने कुछ निकायों का उदाहरण देते हुए ये कहा कि हमें जब हमारा पार्षद हमारे उस वर्ग का पार्षद उस वर्ग का व्यक्ति अगर पार्षद नहीं बनता है, चुनाव नहीं जीतता है, तो हमें बड़ी दिक्कत आती है। उन्होंने कुछ निकायों का उदाहरण भी दिया और उन्होंने कहा कि ऐसे में फिर हमें जो है किसी निर्दलीय या किसी और पार्टी के जो है उस वर्ग का जो जी अभिषेक समझ गया, उसको जो है उसको मनाना पड़ता है या तरह से खरीद फरोख्त बढ़ती है, यानी कि एक एक ऑप्शन के तौर पर कि कहीं अगर फंसते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ये समझा दिया गया है। संगठन और सरकार के बीच में बेहतर हो गई है चीजें। तो बड़ी खबर ये है कि फिलहाल हाइब्रिड मॉडल को लेकर जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल खत्म हो गए हैं, ऑल इज वेल की सिचुएशन हो गई है, और खुद सचिन पायलट जो कि पीसीसी चीफ है उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की। लेकिन सबसे बड़ी बात, हाइब्रिड मॉडल को लेकर अभी फिलहाल कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी, जो स्थिति थी वही स्थिति रहेगी, और यह क्लियर कर दिया गया है, आश्वासन भी दिया गया है कि अगर कहीं पर ऐसा होता है तो वहां पर जो इलेक्टेड पार्षद होंगे उन्हीं में से प्रमुख बनाया जाएगा, बशर्ते कोई अलग कंडीशन ना हो। अगर कहीं आप फंसने वाली कंडीशन पर होते हैं तब हाइब्रिड फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। तो सरकार ने सैद्धांतिक रूप से यह फैसला ले लिया है, और देखिए कि कैसे मसला दिल्ली तक पहुंच जाता है और वहां से खबर आती है कि जिम्मेदारी अविनाश पांडे को सौंपी जाती है। अविनाश पांडे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ सचिन पायलट के साथ बैठकर बैठक करेंगे। तो ये क्या माना जाए कि एक जो विरोधाभास यहाँ पर देखने को मिल रहा था, जो मुखालफत देखने को मिल रही थी, उसका पटाक्षेप अगर हुआ है तो अविनाश पांडे की वजह से हुआ है, क्योंकि एक साथ बैठ करके आपको इस पर निर्णय लेना था कि कैसे चीज़ों को बेहतर किया जाए,
और वैसे किया जाए ताकि विरोधियों को कोई मौका भी ना मिले, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी पहले से ही हमलावर थी। अगर इनके सरकार यहां पर कुछ बदलाव करती या मंत्री बदलाव करते तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन एक आश्वासन, एक विश्वास जो सत्ता और संगठन साथ में चल करके फैसले लेते हैं वो यहां पर देखने को मिला। सरकार ने संगठन को विश्वास दिलाया कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, जो पार्षद चुन के आएंगे उन्हीं में से प्रमुख होगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सीट पर ऐसा होता है, जैसा हम अभी समझा रहे थे हमारे सहयोगी, कि अगर कोई रिजर्व सीट है और वहां पर आपका कैंडिडेट हार गया, तो उस सिचुएशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।